रात में जैसे चीट मील का मन करता है तो आप ये खा सकते हो। और ये बहुत ही सिंपल है, इसको बनाना आपके अराउंड 10 से 15 हेल्दी लगते हैं। तो आज आपको आशीष बताएगा कि हेल्दी मैगी कैसे बनती है। महान व्यक्ति का ये भी कहना है कि मैगी खा के बॉडी बन सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट येस, यू कैन मेक इट मोर न्यूट्रिशियस बाय एडिंग फ्यू वेजीज। वैसे तो आप वेजिटेबल्स नहीं खाते हो, लेकिन मैगी में आई एम श्योर आप जब ये सारी वेजिटेबल्स डालोगे तो ज़रूर खा लोगे और आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा। और इसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। आपके घर में जितनी भी वेजीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको काट लीजिए बारीक। उसके बाद उसमें आप मैगी को ऐड कर दीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पनीर आप डाल सकते हो, टोफू डाल सकते हो, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं चिकन डाल सकते हो, चिकन ब्रेस्ट डाल सकते हो। इसमें हमने थोड़ा सा बटर भी ऐड किया था जो अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके साथ हमने ऑमलेट भी बनाई थी जिससे हमें थोड़ा प्रोटीन सोर्स जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज फिटनेस में बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हमने इसके साथ जब ऐड करी है तो जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। और ये रात में जैसे चीट मील का मन करता है तो आप ये खा सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, इसको बनाना आपके अराउंड 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है पूरा मील। और ये रात को जैसे आपको मन करता है बनाने का कुछ भी तो आप ये बना सकते हैं। और ये पतंजलि के आटा नूडल्स हैं और ये मेरे को मैगी से थोड़े हेल्दी लगते हैं। अब मुझे पता नहीं है इसका क्या न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी क्या है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जो थोड़ी अनहेल्दी चीज़ है उसमें आप वेजीज डाल देते हो, उसको थोड़ा न्यूट्रिशियस बना लेते हो, तो वो आपकी बॉडी में इतना हार्म नहीं करता और कभी भी आप उसको खा सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये एक शॉर्ट वीडियो है, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ मैंने एक अदरक वाली चाय भी बनाई थी जो ठंडों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है आपकी सेहत के लिए। आज मेरे साथ आरू है। आरू से हाय। तो बहुत सारे लोग आरू को भी देखना चाहते हैं, तो अब से हम वीडियोस में उसको भी लेके आएंगे। मेरे वीडियो का एंड वो करा करेगा और मैं ट्राई करूँगा कि मैं व्लॉग्स भी बनाऊँ उसके साथ में। तो कीप वॉचिंग द ग्रूमिंग।